क्या खंडेराव निभा पाएंगे अपना वादा जो उन्होंने अहिल्या को दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अहिल्या और खंडेराव का सीन बहुत प्यारा था, जिसमें अहिल्या खंडेराव को बताती है कि वो क्यों दुखी हो गई। खंडेराव खुद ही पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें मेरे पे गुस्सा है अभी तक? मगर अहिल्या जिस तरह से वो बात कहती है, सच में एक इतनी सुशील और इतनी प्यारी पत्नी की तरह वो बात कहती है कि जान भी नौशावर है आपके ऊपर। और फिर क्लियर कट उनसे प्रॉमिस लेते हैं कि मुझे कभी गलत मत समझना, मेरी सोच से अगर सहमत नहीं भी हो तो मुझे गलत मत समझना, मैं आपका बुरा कभी नहीं चाहूंगी। और खंडेराव प्रॉमिस देते हैं, मगर क्या वो प्रॉमिस निभा पाएंगे, चलिए इस पे बात करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। खंडेराव और अहिल्या की बात हो तो बात समझ में आती है, खंडेराव प्रॉमिस भी निभा सकते हैं। मगर दोस्तों, इतने सारे दुश्मन इर्द गिर्द हों जो सिर्फ एक ही काम करते हैं, खंडेराव के मन में अहिल्या के प्रति नफरत पैदा करने का, भड़काने का, जैसे रकमा ने भड़काया। रकमा ने कहा, खंडेराव सोच में पड़ गए, दरबार में भी उनको वही डायलॉग आ रहे थे और वो सब चीजें खंडेराव पे असर कर जाती हैं। अब ये सारी सिचुएशन में खंडेराव के लिए प्रॉमिस निभाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाद में दरबार में भी जो रकमा ने कहा कि उसको तो दरबार की चिंता रहती है, दरबार में ही उसका मन लगता है, वो सब चीजें कही उसकी मम्मी यानी कि आई साई गौतमा, उसने भी यही कहा। तो ये सारी चीजें खंडेराव को डिस्टर्ब जरूर करती हैं। खंडेराव कोशिश करते हैं कि हमारा जीवन, मेरा और अहिल्या का, स्मूथ चले, क्योंकि प्रेम दोनों एक दूसरे से बहुत करते हैं। मगर दोस्तों, जो प्रेम करते हैं उनका सोच का डिफरेंस तो हो ही सकता है, एक दूसरे की सोच को समझना ही तो गृहस्थ जीवन को चलाना है ना। अगर हम एक दूसरे की सोच को अगर हमें उनकी सोच पसंद भी नहीं है तो भी हम लड़ने के लिए ही हमेशा तैयार रहेंगे तो वो गलत है। आप डिसएग्री हो सकते हो, आप डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते हो, ये मेरा मानना है। तो ये जो डिसएग्रीमेंट है वो हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो मन में डिसरिस्पेक्ट पैदा हो जाएगी कि अहिल्या ऐसा सोचती है, अहिल्या ने मेरे लिए वेट नहीं की, या अहिल्या ने मुझे याद नहीं किया, अहिल्या ने दरबार के कामों में ज्यादा रुचि रखी, अगर ये चीजें खंडेराव के दिमाग में हावी हो गई तो प्रॉमिस निभाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि खंडेराव कोशिश हमेशा करते हैं, खंडेराव ने बहुत कुछ किया है अहिल्या की खुशी के लिए, क्योंकि उनका अपने ऊपर वो कंट्रोल नहीं है, जैसे शराब वाली बात, मगर उन्होंने किया, करके दिखाया। और मुझे लगता है इस प्रॉमिस को निभाने के लिए भी वो बहुत कोशिश करेंगे और हो सकता है बीच में कभी उनसे गलती भी हो जाए, मगर फिर वही बात, अहिल्या है ना, वो संभाल लेगी। क्या कहते हो आप, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.